दिल्ली वाले एक बार फिर जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो जाएंगे। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में मौसम में तेज बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले एक सप्ताह से सुबह और शाम ठंड में लगातार इजाफा हो रहा है। आज सुबह भी लोगों को हल्की ठंड महसूस हुई। यूपी में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिक हिस्सों से वापस लौट जाएगा। इसी बीच दिल्ली में बारिश का दौर थम गया है, लेकिन दबे पांव ठंड ने दस्तक दे दी है। इसी के साथ दिल्ली में पॉल्यूशन भी बढ़ गया है। मौसम विभाग की माने तो इस वीकेंड में राजधानी की वायु गुणवत्ता खराब हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों में न्यूनतम तापमान में और अधिक गिरावट आ सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिक हिस्सों से वापस लौट जाएगा। इसका मतलब है कि अब देश में बारिश का दौर खत्म हो जाएगा। बिहार में भी अब मौसम बदलने लगा है। यूपी और बिहार में बारिश कम हो गई है। या यूं कहें कि गुरुवार को अच्छी धूप थी। मौसम विभाग ने बताया कि बादल छाए रहेंगे। बिहार, यूपी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, असम, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा में हल्के से मध्यम बारिश हुई। दिल्ली में हवा के स्तर को लेकर अनुमान लगाया गया कि अगले 2 दिनों के भीतर हवा औसत स्तर से निकलकर खराब श्रेणी में पहुंच सकती है। अगले 24 घंटे में हवा की दिशा उत्तर की ओर रहेगी, 48 घंटे में उत्तर पश्चिम की ओर हो जाएगी। मिक्सिंग हाइट का स्तर 2450, वेंटिलेशन इंडेक्स 22000 वर्ग मीटर प्रति सेकेंड रह सकता है। वही शनिवार तक मिक्सिंग हाइट का स्तर 2400, वेंटिलेशन इंडेक्स 8500 वर्ग मीटर रहने का पूर्वानुमान है। फिलहाल AQI दिल्ली का 130 है, फरीदाबाद का 144, गाजियाबाद का 136, ग्रेटर नोएडा का 160 व गुरुग्राम का 126, नोएडा का 147 दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।